हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द फोर्थ लेक्चर ऑफ द क्रोमेटोग्राफी। स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस द इंट्रोडक्शन एंड द वेरियस प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द क्रोमेटोग्राफी। इन टूडेज लेक्चर वी विल डिस्कस द वेरियस थ्योरीज ऑफ द क्रोमेटोग्राफी। As all of you know that chromatography is basically a separation technique. It can also be used to purify a solution. ठीक है, तो जितने भी chromatographic technique है वो क्या है, अपन क्या कहते हैं, basically separation technique है जिसको अपन solution में solution को purify करने के काम में भी ले सकते हैं। और जितने भी क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन है वो किस पर बेस्ड होते हैं, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, हर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक में एक स्टेशनरी फेज होता है और एक मोबाइल फेज होता है। तो जो क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक है उसमें जो सॉल्यूट होता है वो अपने आप को स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है, और जिस एक्सटेंट तक वो डिस्ट्रीब्यूट करता है उतना ही बढ़िया हमारा सेपरेशन होता है। अब कोई भी जो है सॉल्यूट अपने आप को जब वो डिस्ट्रीब्यूट करता है तो वो किस तरीके से करता है, हम ये कहते हैं कि एक उसमें सॉल्यूट स्टेशनरी फेज होता है, एक मोबाइल फेज होता है। तो जब वो अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करता है तो उनके बीच का जो पार्टीशन कोएफिशिएंट है वो किसके थ्रू दिया जाता है, वो पार्टीशन कोएफिशिएंट होता है के, एंड दिस कैन बी गिवन बाय सी एस अपॉन सी एम। सी एस इज कंसंट्रेशन, एस फॉर स्टेशनरी, तो सी एस इज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन स्टेशनरी फेज, एंड एम इज मोबाइल, तो सी एम इज कंसंट्रेशन इन द मोबाइल फेज। तो जो सॉल्यूट है वो अपने आप को जब स्टेशनरी और मोबाइल फेज के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करता है तो उन दोनों का जो रेशो है वो हमें उसका पार्टीशन कोएफिशिएंट देता है। अब इस क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक को एक्सप्लेन करने के लिए जो मेनली दो थ्योरीज दी गई हैं उनमें से एक थ्योरी है प्लेट थ्योरी और दूसरी है रेट थ्योरी। प्लेट थ्योरी जनरली पुरानी है और क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ कमियां आई होंगी इसलिए अब इसके जो करंटली यूज़ होती है उसमें अपन रेट थ्योरी पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले अपन पढ़ते हैं प्लेट थ्योरी। प्लेट थ्योरी इज़ एन ओल्डर थ्योरी और ये मार्टिन एंड सिंच के द्वारा दी गई थी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो क्रोमेटोग्राफिक कॉलम होता है वो अपने आप को क्या करता है, जो हर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक में अपन क्या कहते हैं, कॉलम होता है, और ये जो कॉलम होता है इसमें बहुत सारी हॉरिजॉन्टल प्लेट्स पाई लेयर्स पाई जाती हैं। इन लेयर्स को देखिए, यहाँ पे ये मैंने लाइन के थ्रू बताया हुआ है, इन लेयर्स को अपन क्या कहते हैं, थ्योरिटिकल प्लेट्स, इससे इसका नाम प्लेट थ्योरी कहा गया है। ठीक है, तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हर क्रोमेटोग्राफिक कॉलम में बहुत सारी कंटिन्यूस हॉरिजॉन्टल लेयर्स होती हैं जिनको कि अपन प्लेट्स कहते हैं, और हर प्लेट में क्या होगा, जो सॉल्यूट होगा नेचुरली क्या होगा, प्लेट में हर प्लेट में क्या होगा, एक स्टेशनरी फेज होगा और एक मोबाइल फेज होगा, और हर प्लेट में जो सॉल्यूट है, ठीक है, या जो एनालाइट है जिसको अपन सेपरेट कर रहे हैं वो अपने आप को स्टेशनरी और मोबाइल फेज के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, तो कॉलम है, उस कॉलम में बहुत सारी लेयर हैं, उस लेयर्स को अपन ने प्लेट कहा है, और जो सॉल्यूट है वो हर प्लेट पर अपने आप को जो स्टेशनरी और मोबाइल फेज है उनके बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, अब क्या होगा, जब वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा तब क्या होगा, सॉल्यूट का एक प्लेट से दूसरी प्लेट में स्टेप वाइज ट्रांसफ़र होगा ऊपर से नीचे की तरफ। जैसे पहली प्लेट में मान लीजिए सॉल्यूट आया, उसके जस्ट बाद उसके नीचे वाली प्लेट पे
फिर उससे नीचे वाली प्लेट में स्टेप वाइज इसका ट्रांसफ़र होता है, एक प्लेट के बाद जस्ट उसके नीचे जो है उसके उस वाली प्लेट पे, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि एक तो क्या है, प्लेट के थ्रू इनका ट्रांसफ़र हो रहा है, दूसरा हम क्या कहते हैं कि किसी भी कॉलम की एफिशिएंसी जितने ज़्यादा थ्योरेटिकल प्लेट होंगी उतनी ही ज़्यादा कॉलम की एफिशिएंसी होती है, यानी कॉलम की जो एफिशिएंसी है वो किस पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स पर डिपेंड करती है। जितनी ज़्यादा प्लेट्स होंगी उतना ही ज़्यादा अच्छा सेपरेशन होगा, क्यों, क्योंकि जितनी ज़्यादा हमारी प्लेट होती हैं इक्विलिब्रियम भी हमारा कितना होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि एफिशिएंसी जो कॉलम की होती है वो क्या कहती है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ प्लेट्स बढ़ते जाते हैं, थ्योरेटिकल प्लेट्स बढ़ती जाती हैं, वैसे वैसे कॉलम की एफिशिएंसी भी बढ़ती जाती है। यहाँ पे एक बात और देखिए, ये आप अच्छी तरह समझ लीजिए कि जो थ्योरेटिकल प्लेट्स हैं वो एक्चुअल में नहीं होती हैं, ये सिर्फ एक काल्पनिक है, हमने सिर्फ कल्पना की है कि एक कॉलम के बीच में इतनी प्लेट्स होती हैं जिससे कि हमें कॉलम का जो वर्किंग है वो समझ में आ जाए, कॉलम के अंदर किस तरीके से वर्किंग होती है वो हमें समझ में आ जाए। इसके लिए हमने क्या मान लिया कि कॉलम में कुछ काल्पनिक प्लेट्स होती हैं और ये प्लेट्स सिर्फ कॉलम की वर्किंग को ही समझने के काम में नहीं आती बल्कि ये कॉलम की एफिशिएंसी को भी मेज़र करने के काम में आती है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो प्लेट्स हैं ये एक्चुअल नहीं है बल्कि ये कैसे हैं, फिगमेंट ऑफ द इमेजिनेशन, ठीक है, और इनके द्वारा हम कॉलम की एफिशिएंसी को भी मेज़र कर सकते हैं। कॉलम की एफिशिएंसी को हम कैसे मेज़र करेंगे, हम नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट देखेंगे कि कॉलम में कितनी है, जितनी ज़्यादा थ्योरेटिकल प्लेट होंगी उतना ही ज़्यादा हमारा कॉलम एफिशिएंट होगा या उतना ही ज़्यादा हमारा अच्छा सेपरेशन होगा क्योंकि उतना ही ज़्यादा हमारा इक्विलिब्रियम होगा। अब हम ये मान लेते हैं कि कॉलम की लेंथ कितनी है एल, ठीक है, और नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट इसमें कितनी है एच, तो ये सॉरी हम कॉलम की लेंथ हमारी कितनी है एल और हाइट इक्विवेलेंट ऑफ ए थ्योरेटिकल प्लेट, ठीक है, थ्योरेटिकल प्लेट की हाइट हमारी कितनी है एच, ठीक है, तो नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट वो हम किससे दे रहे हैं एन, सॉरी यहाँ पे स्मॉल एन है कैपिटल एन आएगा, आप लोग इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो नंबर ऑफ थ्योरेटिकल लेयर अपन किससे देंगे, दिस एन इज इक्वल टू एल अपॉन एच, ठीक है, और एच इज इक्वल टू एल अपॉन एल, क्योंकि हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स निकालनी है, वो हमने कैसे निकालनी है, वो हमने एच के थ्रू निकालनी है। तो अब यहाँ यह बात आप देखिए कि हम ये क्या कर रहे हैं कि जो कॉलम की जो लेंथ है वो तो क्या है हमारी फिक्स है, उसको हम नहीं बढ़ा रहे हैं, उसमें तो हमने स्टार्टिंग में जितनी हमें लेंथ रखनी थी कॉलम की हमने रख ली। अब उस कॉलम के अंदर जितनी ज़्यादा थ्योरेटिकल प्लेट्स होंगी तो वेरिएबल क्या है h, सॉरी वेरिएबल क्या है थ्योरेटिकल लेयर n, जिसको कि कैपिटल n से रिप्रेजेंट करना है, लेकिन यहाँ मैं स्मॉल n लिख गई हूँ, फिर मैं आपसे कह रही हूँ आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो थ्योरेटिकल लेयर आप कम ज़्यादा हो सकती हैं लेकिन कॉलम की जो लेंथ है वो कम ज़्यादा नहीं हो सकती, एक बार जितनी फिक्स हो गई हो गई। तो जितनी ज़्यादा n की वैल्यू होगी h की वैल्यू उतनी ही कम होगी, यानी हाइट इक्विवेलेंट ऑफ ए थ्योरेटिकल प्लेट जितनी कम होगी उतना ही ज़्यादा अच्छा हमारा कॉलम एफिशिएंट होगा या उतना ही हमारा सेपरेशन बढ़िया होगा। तो नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट पे ही हमारे कॉलम की एफिशिएंसी डिपेंड करती है। अब यदि मैं आपसे कहूँ
कि हाइट इक्विवेलेंट ऑफ ए थ्योरेटिकल प्लेट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना अब हमारे सामने नज़र आ रहा है, ठीक है, वो जितना कम होगा उतना ही ज़्यादा हमारी एफिशिएंट होगा कॉलम, और वो कम कब होगा, जब हमारी नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स ज़्यादा होंगी. दिस कैन बी डिफाइंड एज द हाइट ऑफ ए लेयर ऑफ द कॉलम, किसी भी कॉलम की जो हाइट होती है, सच दैट द सॉल्यूशन लीविंग द लेयर इज इन इक्विलिब्रियम विद द एवरेज कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट इन द स्टेशनरी फेज थ्रू आउट द लेयर. जो सॉल्यूट है वो स्टेशनरी फेज के पूरी लेयर के दौरान स्टेशनरी फेज में कैसा होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में होना चाहिए. इसको और एग्जांपल से अपन समझ सकते हैं. देखिए, ये मैंने एक कुछ एग्जांपल लिए हैं, ये आपको समझाने के लिए, सिर्फ एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, सिर्फ ये समझाने के लिए बता रही हूँ मैं आपको. हॉरिजॉन्टल होते हैं वैसे तो, है ना. ये मान लीजिए हमारा पूरा का पूरा क्या है, एक कॉलम है. इस कॉलम में हमारी नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स कितनी है, 1, 2, 3, 4 एंड 5. हमारी 5 इसकी थ्योरेटिकल प्लेट है, और हर थ्योरेटिकल प्लेट में मैं क्या कह रही हूँ आपसे, 2 फेज होते हैं, ये स्टेशनरी फेज और ये मोबाइल फेज, ठीक है. तो ये आपको समझ में आ गया, ये कॉलम है, नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट इसमें 5 है, और इसमें हर प्लेट में एक स्टेशनरी फेज और एक मोबाइल फेज है. अब अपन क्या कह रहे हैं, हर लेयर पे, यानी ये डिफरेंट जो लेयर है, 5 लेयर है, इस हर लेयर पे जो सॉल्यूट होगा वो अपने आप को स्टेशनरी और मोबाइल फेज के बीच में इक्विलिब्रियम या इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा, इक्विलिब्रियम इनमें रहना चाहिए. अब मान लीजिए हमारे पास सॉल्यूट जो है वो 80 mg है, ठीक है. तो हम क्या करें, फर्स्ट जो प्लेट है उसमें 80 mg है, तो ये कैसा हमारा स्टेशनरी फेज है, लेकिन इस थ्योरी के अकॉर्डिंग स्टेशनरी और मोबाइल फेज के बीच में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, 40 इधर आ जाएगा और 40 इधर आ जाएगा. तो ये देखिए, ये नेक्स्ट उसमें मैंने आपको समझाया, 40 एंड 40. अब 40 तो क्या है, स्टेशनरी फेज में, और 40 जो है आपका मोबाइल फेज में. अब स्टेशनरी फेज तो क्या है, आपका स्थिर है, लेकिन जो आपका मोबाइल फेज है वो कैसा है, मूविंग है. तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो मोबाइल फेज है ये किस में आ जाएगा, आपका सेकंड वाली लेयर में आ जाएगा. तो नेक्स्ट स्टेप में आपका जो मोबाइल फेज है वो तो किस में आ गया, इसमें आ गया, और स्टेशनरी फेज आपका 40 ही रहा, वो तो स्टेशनरी फेज ही रहेगा. अब क्या होगा, फिर मैं आपसे कह रही हूँ, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हर लेयर में क्या होगा, ये सॉल्यूट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा. तो सेकंड लेयर में क्या है, मोबाइल फेज में 40 है, इसमें से 20 किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, और नीचे आपका जो फर्स्ट लेयर है उसमें भी कितना बचा, 40. तो 40 में से आपका 20 किस में आ जाएगा, मोबाइल फेज में आ जाएगा. क्यों, क्योंकि हर लेयर में सॉल्यूट अपने आप को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है. तो अब नेक्स्ट उसमें देखिए क्या हुआ, कि ये जो 40 था इसने अपने आप को 20 और 20 कर लिया, और जो मोबाइल फेज में हमारा 40 आया था वो भी 20 और 20 में हो गया. अब क्या होगा, स्टेशनरी फेज तो कैसे हमारे फिक्स हैं, लेकिन मोबाइल फेज हमारे कैसे हैं, मूविंग है. तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि इस ये जो 20 वाला है ये तो किस में चला जाएगा, मोबाइल फेज में, थर्ड प्लेट में आ जाएगा, और ये वाला जो 20 है ये किस में आ जाएगा, ये सेकेंड में आ जाएगा, ठीक है. तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, ये 20 तो इसमें आ गया, और ये नीचे वाला 20 किस में आ गया, ये इसमें आ गया. अब क्या हुआ कि ये नीचे इसमें 20 रहेगा, ये अपने आप को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा 10 और 10 में, और ये ऊपर वाला भी 10 और 10 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा. तो ये देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, ये 20 था वो तो क्या हुआ, अपने आप को 10 और 10 में कर लिया. ये बीच वाला हमारा 20 और 20 है ही, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन ये थर्ड प्लेट थी उसने हमारा 20 था उसने अपने आप को किस में कर लिया, 10 और 10 में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया. अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये 10 मूविंग इसमें आ जाएगा, ये 20 इसमें आ जाएगा, और ये जो 10 है ये इसमें आ जाएगा, ठीक है. तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या हो रहा है, ये 10 तो हमारा इसमें चला गया, 20 इसमें आ गया और 10 इसमें आ गया. अब क्या हुआ,
अब ये देखिए इसमें क्या होगा, अपन ये कह रहे हैं कि सॉल्यूट जो है इन दोनों में मोबाइल और स्टेशनरी फेज में अपने आप को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो यहाँ तो 10 है, ये 5 और 5 में हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 10 है और ये 20 है, इसमें स्टेशनरी फेज में कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसमें कम है, ऐसा नहीं होगा, इसको क्या होगा इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 20 और 10 30, तो इनमें क्या होगा 15 और 15, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब इस वाले में भी देखिए थर्ड स्टेप में भी क्या है, 20 और 10 30, तो 15 और 15 आ गया। और फोर्थ में जो आपका 10 है, ये 5 और 5 में आपको अपने आप को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। अब क्या हुआ, ये जो 5 है ये वापस से इसमें चला जाएगा, नेक्स्ट लेयर में आ जाएगा, फिफ्थ में आ जाएगा, 15 इसमें आ जाएगा, ये 15 इसमें आ जाएगा और ये 5 इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला हमारा वो बन रहा है, देखिए 5 इसमें आ गया, 15 इसमें आ गया, ये 15 इसमें और ये 5 इसमें आ गया। अब इससे आगे नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हमारे कॉलम की जो लेंथ थी वो ख़त्म हो गई, तो ये 5 नहीं तो इल्यूट आउट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, ये 5 और 15 20, तो ये 10 और 10 में आ जाएंगे, 15 और 15 30, तो ये 15 और 15 रहेंगे, 15 और 5 20, तो क्या होगा 10 और 10 मिलेंगे। नेक्स्ट स्लाइड देखिए आपकी, ये रहेगा। तो ये हमारा क्या हुआ, लास्ट स्टेप हो गई, है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, ये जो हमारे लास्ट स्टेप में ये, क्योंकि हमारे कॉलम की लेंथ अब ख़त्म हो गई, ये 5 तो आपका इल्यूट आउट हो गया, और जो रिमेनिंग थे उन्होंने क्या करा, अपने आप को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा इसको फिर आप देख लीजिए, 1 में 5 है, फिर 20 है, फिर 30 है, फिर 20 है और फिर 5 है। इसको देखिए अब मैं वर्टिकल फॉर्म में लिखा है, वर्टिकल फॉर्म में जब मैं लिख रही हूँ, नीचे फर्स्ट लेयर में अपनी 5 थी, फिर 20 थी, फिर 30 थी, फिर 20 थी और 5 थी, यानी अपन यदि इसमें ग्राफ खींचे तो अपना कैसे आएगा 5, ये पीक अपनी किस में आई है, 30 में अपनी ये पीक आ रही है, ठीक है। तो 5 से लेके ये दूसरी 5 तक अपनी आएगी, यानी हमारी नंबर ऑफ थ्योरिटिकल प्लेट यदि 5 हैं तो हमारी पी इस, ये इस तरीके की पीक आ रही है, देखिए ये पीक आ रही है अपनी, इस पीक की आप विर्थ देखिए कितनी है, इतनी विर्थ है, सेपरेशन हमें बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ रहा है। मान लीजिए हमारे पास 3 ही यदि थ्योरिटिकल प्लेट होती, 3 थ्योरिटिकल प्लेट होती, तो ये हमारा क्या है, ये हमारी पीक किस पे आती, इस 20 पे आती, और हमारे पास ये रेड वाली जो मैं आपको बताया ना रेड रेड निशान से, ये हमारे पास पीक आती। अब इसकी विर्थ आप देखिए कितनी कम है, ठीक है, तो इसकी चौड़ाई कम है और इसकी पहले वाली की चौड़ाई जिसमें नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट ज़्यादा थी उनमें चौड़ाई या विर्थ ज़्यादा है, इसका मतलब उसका सेपरेशन ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा क्लियर है बजाय कम प्लेट वालों का। तो ये एक सिंपल सा इलिस्ट्रेशन था आपको बताने के लिए कि जैसे जैसे थ्योरेटिकल प्लेट इंक्रीज़ होती हैं वैसे वैसे कॉलम की एफिशिएंसी बढ़ती है, सेपरेशन बेटर होता है, और ज़्यादा हम यदि कॉलम की लेंथ हम यदि बढ़ा दें तो थ्योरेटिकल प्लेट सब कैसे बढ़ाई जा सकते हैं, कॉलम की लेंथ बढ़ा दें तो कॉलम की लेंथ हमको शुरुआत में ही बढ़ानी पड़ेगी। कॉलम की लेंथ हम बढ़ाएंगे, एक बार हमने कॉलम की लेंथ बढ़ा दी तब हमारे इसमें नंबर ऑफ प्लेट्स भी ज़्यादा हो जाएंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक में यदि क्रोमेटोग्राफिक कॉलम में नंबर ऑफ प्लेट्स ज़्यादा हैं तो सेपरेशन बेटर होगा, थ्योरेटिकल प्लेट्स कम है तो सेपरेशन इतना बढ़िया नहीं होगा। लेकिन इसमें हमारी जो मेन वो क्या है, कमी क्या है कि ये जो थ्योरेटिकल प्लेट्स हैं हमारी जस्ट इमेजिनेशन है, एक्चुअल में ये नहीं होती है। तो इसके लिए इस थ्योरी के आगे फिर अपनी नई थ्योरी आई रेट थ्योरी, जिसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। टिल देन गुड बाय।